बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाइटफोर न्यूज की खास खास खबरों के साथ मैं हूं ताहा। खबर शामिल करते मंडी बहाउद्दीन से हमारे नुमाइंदे नदीम हाकीवाला की तफसीलात के मुताबिक। तफसीलात के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन कायद आजम ग्राउंड के नीचे 42 दुकानें बनाई गई जिन पर करोड़ों रुपए का खर्च भी आया, मगर पिछले 5 साल से ये दुकानें खाली पड़ी हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नदीम हाकीवाला की इस रिपोर्ट में। जी नदीम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट नदीम हाकीवाला। मैं इस वक्त कायद आजम स्टेडियम मंडी बहाउद्दीन के ये बाहर दुकानें बनी हुई हैं गवर्नमेंट की। ये तकरीबन 40-42 दुकानें हैं। ये तकरीबन पिछले 5-6 साल से तामीर हो चुकी हैं और ये मुल्क पाकिस्तान, जो हम दूसरे ममालिक से कर्जे ले कर इस मुल्क को चलाते हैं, यहाँ पर हर गवर्नमेंट का जो ऑफिसर है वो हर महीने अपनी सैलरी भी लेता है, मगर किसी अफ़ीसर को, किसी गवर्नमेंट के इदारे को इस मुल्क का काम करने का कोई शौक़ नहीं। इनकी कभी ये प्लानिंग नहीं हुई या कभी ये कोशिश नहीं हुई कि किसी तरह इस मुल्क को भी फ़ायदा पहुंचाया जाए। इस गरीब कौम का करोड़ों रुपए खर्च करके ये दुकानें तामीर की गई कि ये दुकानें कल को किराए पर दी जाएंगी और इस गवर्नमेंट के रेवन्यू में इजाफा होगा, इसको फ़ायदा होगा। मगर पिछले 5 साल से इन दुकानों में सियासी मुदाखलत की वजह से आज तक इसकी कोई नीलामी नहीं हो सकी, ये किसी बंदे को नहीं देगी। जो अभी ये देख रहे हैं कि इन दुकानों के शटर भी तकरीबन ख़राब हो चुके हैं और रोज़ बरोज़ ये दुकानें ऐसे खस्ता हाल होती जा रही हैं कि ये किराए पे देने के काबिल भी नहीं रही। तो अभी हमारी कुछ दिन पहले MNA साहब हाजी इम्तियाज़ साहब से भी बात हुई इनके बारे में, उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई कि ये नून लीग के दौर में बनी थी, उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी या उनकी मुदाखलत की वजह से इसकी नीलामी नहीं हुई। तो अभी उन्होंने ये यकीन दहानी कराई कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी नीलामी होगी और वो ओपन ग्राउंड में सबके सामने कुरानदाजी के ज़रिए होगी, जिसमें कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी किसी भी पार्टी की। तो हमारी ये डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन साहब से और हाजी इम्तियाज़ साहब से और जितनी गवर्नमेंट है हमारे डिस्ट्रिक्ट की, उनसे ये मुतालबा है के खुदारा ऐसे कामों की तरफ ध्यान दिया जाए जिससे कोई गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होना चाहिए और फौरी तौर पे इस बात का नोटिस लिया जाए और इन दुकानों की ओपन मेरिट पे नीलामी की जाए कि ये जब दुकानदार आएंगे तो इस गवर्नमेंट के रेवेन्यू में इजाफा होगा, ना कि ये करोड़ों की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की ज़ाया की जाए। कैमरा टीम के साथ नदीम हाकीवाला, 94 न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए 94 न्यूज के साथ रहिएगा। आप हमारी खबरें YouTube और Facebook पर भी देख सकते हैं। खबरों की तफसीलात के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.94news.us। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।